हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 मैथ यूनिट टेस्ट सॉल्यूशन के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि इस प्रकार की वीडियो आप लोगों तक आसानी तक पहुंच सके। सो स्टूडेंट्स, ये पेपर आप लोगों का अक्टूबर 2020, मार्क्स 25 मार्क्स का है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डू एज डायरेक्टेड, देन फर्स्ट क्वेश्चन, राइट प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 to 30। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो 20 से लेकर 30 के बीच में आते हो। ओके, सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ओके, तो प्राइम नंबर्स वो डिजिट होती हैं जो किसी के टेबल्स में नहीं आते। ओके, जैसे आप देखोगे 20 के बाद 21 3 के टेबल में आता है, 22 11 के टेबल में आता है, 23 जो किसी के टेबल में आता नहीं है, उसके बाद 24 भी आता है बच्चों, 25 भी आता है, 26 भी आता है, 27 भी आता है, 28 भी आता है, बट 29 नहीं आता। ओके, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है उसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है आपका, देखिए कि 23 एंड 29 ये जो दो हैं आपकी, ये 20 से लेकर 30 के बीच की प्राइम नंबर है स्टूडेंट्स। ओके ना, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया गया आपको कि डिटरमाइन इफ 263921 इज डिविजिबल बाय 3। आपको देखना है स्टूडेंट्स की जो आपकी 263921 डिजिट दी है ये 3 से डिवाइड होगी या नहीं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हियर सम ऑफ ऑल डिजिट, ओके जो भी डिजिट दी है उन सबको प्लस करना है आपको। देखिए 2 + 6 + 3 + 9, ओके तो 23 हो गया। ओके, एंड आपको भी पता होगा जो 23 है वो 3 के टेबल्स में आता नहीं है, सो 23 इज नॉट डिविजल बाय 3, इसलिए जो 23 है वो 3 से डिविजल नहीं होगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदेवर 15 एंड 37 आर को प्राइम नंबर्स। ओके बच्चों, यहाँ पे हमें बताना है कि 15 एंड 37 एक को प्राइम नंबर्स हैं या फिर नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स कर लेंगे। देखिए 15 का फैक्टर आपको पता है 15 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 3, 5 and 15। एंड 37 जो है वो किसके टेबल में आता है, 1 and 37 में। सो 15 एंड 37 कॉमन फैक्टर इज 1। तो इन दोनों में आप देख सकते हो स्टूडेंट्स ओनली कॉमन क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। क्लियर ना, देयरफॉर 15 एंड 37 आर को प्राइम नंबर्स, जिससे 15 एंड 37 दोनों कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, इफ ए नंबर इज डिविजल बाय 5 and 12, कोई नंबर है जो 5 and 12 से डिविजल होता है तो विच अदर्स नंबर विल बी डिविजल, तो कौन सा दूसरा नंबर जो होगा जो इससे डिविजल हो जाएगा। तो देखिए इसको यहां पर 5 को डिविजल कीजिए आप और 12 को भी कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 5, 2, 2 and 3, तो 5 2 10, 10 2 20, 23 60। तो अदर्स जो नंबर होगा वो आपका कितना होगा बच्चों, 60 होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, सो 60 आर डिविजल, 5 भी आएगा उसके मिनट, 12 भी डिविजल हो जाएगा और 60 भी डिविजल हो जाएगा। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। आपको दिया है यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड में, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है बच्चों एंड सेकेंड क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18, 54 और 81। यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, एचसीएफ फाइंड करना है किस किस का, 18 का, 54 का एंड 81 का। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है आपको यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 18 का फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा ये तो चीज की यूनिट प्लेस अगर 2, 4, 6, 8 and 0 हो तो आपको 2 के टेबल से करना होता है। तो देखिए 2 के टेबल से किया 18 तो 9 टाइम्स में आया, फिर 9 3 के टेबल्स में आता है, 3 3 9 और 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आता है। देन सेकेंड आपका 54, तो 54 यहाँ पर भी यूनिट प्लेस 4 है मीन्स 2 के टेबल में आ जाएगा, तो 2 के टेबल में 54 27 टाइम्स में आता है। फिर 27 जो आपका है 3 टाइम्स में, 3 के टेबल से करोगे तो देखो 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम्स में। अगेन 9 जो है वो 3 के टेबल्स में आएगा, 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आएगा बच्चों, 3 टाइम्स में, तो 3 1 3। देन उसके बाद है 81, तो 81 को हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, 3 से। अगर आपको नहीं पता चले तो क्या करने का, 8 + 1
8 प्लस 1 कितना होता है 9, 9 जो होता है वो 3 के टेबल्स में आता है। ऐसे भी हम उसको चेक करके डिवाइड कर सकते हैं। 3 के टेबल में 81 के तो 3 1 3 3 2 6, ठीक है 6 हो गया, 2 उधर गया तो 21, 3 के टेबल में 21 7 टाइम्स में और 6 2 टाइम्स में। अब यहां से 3 के टेबल में 27 आया आपका 9 टाइम्स में, फिर 3 के टेबल में 9 आया 3 टाइम्स में, 1 का 1। ओके, अब ACF में करना क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए कि सारी डिजिट में हमें सेम चाहिए। जैसे यहाँ पे 18 का फैक्टर देखिए क्या आया, 2, 3 एंड 3, तो 2, 3 एंड 3। 54 का देखिए फैक्टर क्या आया, 2, 3, 3 एंड 3, तो देखिए 2, 3, 3 एंड 3, क्लियर। एंड 81 का क्या आया, 3, 3, 3 एंड 3, ऑल टाइम्स 3 है। अब SCF में होता क्या है बच्चों, सिंपल सी बेस में आपको कॉमन देखना है कि सब में मिल रहा है वो या नहीं मिल रहा है। देखिए फर्स्ट स्टार्ट कर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे, ऐसा नहीं कि यहाँ तो यहीं होना चाहिए, इन तीनों लाइनों में तीनों रो में एक ना एक टाइम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, कम्प्लीट। सेकेंड 3 देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद कोई 3 नहीं है बट इसमें है, तो इसको कोई मीनिंग होगा नहीं, हमें ऑल टाइम्स चाहिए। तो देखो 2 टाइम्स आपको मिला, मतलब 2 पेयर बनी। सो SCF ऑफ 18, 54, 81 इज 3 × 3, तो आपका आंसर आ गया बच्चों 9, क्लियर ना, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रैफिक वाला क्या दिया है इसके अंदर, पहले पढ़ लीजिए उसको। द ट्रैफिक लाइट्स इज 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स। 3 जगह की लाइट्स दी है अलग अलग रेलवे क्रॉसिंग की, रेड क्रॉसिंग की रोड, 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स रिस्पेक्टली। इफ दे चेंजेस सिमल्टेनियसली एट 7 AM, एट व्हाट टाइम विल बी चेंज सिमल्टेनियसली अगेन। वो 7 o'clock चेंज होती है तो उसके बाद कितने टाइम के बाद वो चेंज होगी। ओके ना बच्चों, तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका LCM निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा, तो उसी तरीके से हमें इसको पता चलेगा। तो देखिए सबसे पहले 48 का फैक्टर करेंगे, क्योंकि यहां पर 48 सेकेंड था, ठीक है, तो 48 यूनिट प्लस 8 है, मीन्स 2 के टेबल में आ जाएगा बच्चों ये। तो देखिए 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में और 8 आता है 4 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम्स में और 4 आता है 2 टाइम्स में, क्लियर ना। अब 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम्स में और 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम में, 2 × 2 72, तो इसे भी डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 77 नहीं आता ना बच्चों, देखो अगर आपको नहीं समझ में आता आप इसे करके भी कर सकते हो, ये 2 के टेबल में 7 नहीं आता लेकिन 6 आता है 3 टाइम्स में, ठीक है ना, 1 बच्चा 2 यहाँ नोट करेंगे। और 2 के टेबल में 12 आपका था 6 टाइम में, तो देखो 36 आ गया इधर बच्चों, ठीक है 2 के टेबल से। अगेन टाइम्स हम इसे करेंगे तो 2 के टेबल में 3 तो आएगा नहीं, तो 2 × 2 1 उधर कैरी दी तो 16, 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स में, क्लियर हो गया ना, 18 हो गया। फिर 2 के टेबल में 18 आता है आपका बच्चों 9 टाइम्स में, देन 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स, 3 × 3। अब उसके बाद हम देखेंगे 108 का, ठीक है 108। अब 2 के टेबल में 108 कितने टाइम्स में आएगा बच्चों, 54। अगेन टाइम 2 के टेबल से करेंगे तो 27, 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम्स में और 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स में और 3 × 3। ओके ना, इसके बाद हमें करना क्या होता है इसमें 48, तो 48 का फैक्टर्स लिख दीजिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, तो यहां पे मैंने लिख लिया। उसके बाद 72 का लिख लीजिए। अब यहां पर हमें LCM फाइंड करना है, क्योंकि यहां पर हमें सबका देखना है कि लास्ट टाइम कितने पे होगा, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो 2 कितने टाइम से, LCM मतलब था लिस्ट कॉमन फैक्टर, एटलीस्ट कितना कम से कम उसके पास है, ओके ना। तो यहां पे देखिए 2 कितने टाइम से, 4 टाइम्स और 3 1 टाइम्स, 72। यहां पे 2 देखो कितने टाइम से, 3 टाइम्स और सॉरी 2 जो है 3 टाइम्स और 3 है जो 2 टाइम्स है, 108 2 टाइम्स है और 3 जो है 3 टाइम्स है, क्लियर ना। अब इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा टाइम्स जो होता है देयर इज मोर टाइम्स, वो आपका आंसर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों कि 2 जो है यहाँ पे 4 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स, तो सबसे ज्यादा किसमें है तो 2 पे 4 टाइम्स, तो यहाँ पे लेना है आपको। 3 देखिए यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स को आपको लेना है। तो देखिए 2 की पावर 4 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 मीन्स 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 एंड 8 × 2 = 16, तो ये आपका ओके 16। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 432 सेकेंड्स, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो ऑल थिंग्स आपको किस में दी थी, सेकेंड्स में दी थी, क्लियर ना बच्चों। तो देखिए
तो यहां पर आपका आ गया 432 सेकेंड्स। अब आपको पता है कि 432 सेकेंड्स को अगर हमें किस में कन्वर्ट करना हो, मिनट में, तो हम इससे किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से, तो 7 मिनट 12 सेकेंड्स आपकी आ जाएगी। तो हम बता सकते हैं कि सो आफ्टर 7 मिनट एंड 12 सेकेंड्स दे विल बी चेंज अगेन, तो दूसरी बार वो 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके ना बच्चों, चलिए उसके बाद हम देखते हैं आप लोगों का क्या दिया गया है। देखिए ट्रू और फॉल्स दिया गया है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स करना है हमें। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, डूएस डायरेक्टेड में, डूएस डायरेक्टेड स्टेट विद एवर स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिवन फिगर पी क्यू एन एम क्यू, ये आपको दिया है। तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द एम एन, क्या ये दोनों पॉइंट्स हैं एम एन के, तो आप देख सकते हो इसलिए वैसे ये सारे पॉइंट्स आए हुए इसमें, देखो क्यू भी आया है, एम भी आया है, ओ भी आया है, एन और पी, ये सारे के सारे पॉइंट आ चुके हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके ना, सेकंड देखिए क्या लिखा, ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स, तो देखिए ओ और एन तो ये तो मिड के पॉइंट है, एन पॉइंट कौन सा है अपना, पी एंड क्यू, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या आ जाएगा बच्चों, फॉल्स आ जाएगा। क्लियर ना। थर्ड क्वेश्चन, N इज द इनिटियल पॉइंट ऑफ, N इज इनिटियल पॉइंट ऑफ NP, ठीक है, एंड NM, देखो NP और NM, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू हो जाएगा, बिकॉज ये राइट है। क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे देखते हैं। चलिए उसके बाद ये फिगर में आपको जो दिख रहा है लिखा हुआ, देखो आंसर द क्वेश्चन बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर के बेसिस पे जो 2 मार्क्स को आपको दिया हुआ है उसके आंसर देने। फर्स्ट लिखा है राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 लाइन सेगमेंट इन फिगर, इस फिगर के अंदर जो 2 लाइन सेगमेंट आपको लिखनी है, लाइन सेगमेंट में क्या होती है, जो पास पास की होती है, जैसे यहाँ पे देखिए आपको ए बी, ठीक है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसके बाद ए सी, उसके बाद सी डी और डी बी, तो मैंने 4 लाइन सेगमेंट आपको लिख दिया, आपको ओनली 2 लिखोगे तभी चलेगा। फिर उसका लिखा वर्टेक्स सी इज कॉमन ऑफ टू विच ट्राइंगल, सी देखिए सी बता रहा है कॉमन है, तो देखिए क्या बना आपका यहाँ पे ए सी डी, ए सी डी कॉमन इन बीच में आ गया, एंड सेकेंड एंगल आपका बन गया ए सी बी, तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स हमने 2 एंगल्स लिख दिए हैं, ए सी डी एंड ट्राइंगल ए सी बी, ए सी डी एंड ए सी बी। ओके बच्चों कंप्लीट हो गया इतना। चलिए अब हम देखेंगे पीछे का, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है आपको, यहां पे हमें क्लासीफाई करना है। ओके तो लिखा हुआ है क्लासीफाइड ट्राइंगल्स इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर एंगल्स एंड साइड, आपको यहाँ पे एंगल्स एंड साइड के बेसिस पे क्या करना है, अलग करना है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए लिखा है 2 साइड्स आर इक्वल्स, जब 2 साइड्स इक्वल होती है, तो ऑल साइड आर डिफरेंट, जब ऑल साइड डिफरेंट होती है, एंड 3 साइड आर इक्वल, जब तीनों साइड सेम होती है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर बच्चों, जब, ठीक है, जब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जब आपकी 2 साइड्स इक्वल होती है तो आपका कौन सा ट्राइंगल होता है, तो आइसोसेल्स, तो आप यहाँ पे ट्राइंगल्स पे कर सकते हो। फिर क्या ऑल साइड आर इक्वल, जब ऑल साइड आर डिफरेंट उसकी लेंथ से, तो उसको बोलते हैं स्केलेंस ट्राइंगल्स। एंड उसके बाद लिखा 3 साइड इक्वल, जब तीनों की 3 साइड आपकी इक्वल होती है तो कौन सा ट्राइंगल्स होता है, तो यहाँ पर लिखा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर भी देखिए आंसर में आप डायरेक्ट लिख सकते हो, फर्स्ट का सी, सेकेंड का ए एंड थर्ड का बी। ओके बच्चों लास्ट हम देखेंगे, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल्स, यहां पर भी हमें ट्राइंगल्स बताना है एंगल्स एंड साइड के बेसिस पे। ओके फर्स्ट में देखो यहाँ पे उसके मैं समझा दू, क्यू देखो कितना है 90 है, पी जो है 45 और पी वी है 45। देखिए यहाँ पे उन्हें बताया था 2 साइड्स आर इक्वल लेंथ, यहां पर देखिए दोनों सेम है और ये कैसा है डिफरेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमको इसको पहले किसके बेस्ड बताएंगे, साइड के, तो देखिए ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड, ट्राइंगल बेस्ड ऑन, देखो 2 साइड सेम थी तो लिखेंगे आइसोसेल्स ट्राइंगल्स, तुम क्लियर। एंड ट्राइंगल्स अब यहाँ पे देखिए एक एंगल जो है वो 90 का है, ठीक है, तो आपको पता होगा जो 90 एंगल होता है उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स, क्या बोलते हैं बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल्स, क्लियर ना। सेकेंड देखो क्या लिखा है, ए बी सी में ये 30 है, ये 70 और 30, दैट मीन्स ऑल थिंग्स आपकी कैसी मिल रही है, डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो लिखा था 3 साइड आर इक्वल था, और यहाँ पे लिखा ऑल साइड आर डिफरेंट, सारी के सारी साइड जब डिफरेंस होती है तो
तो क्या होता है, तो स्केलेंस ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे ट्राइंगल बेस ऑन साइड, तो स्केलेंस ट्राइंगल्स, ओके। और उसके बाद हमें इसको पढ़ना किसके बेस पर है, एंगल के बेसिस पर। तो एंगल्स भी इसके क्या होंगे, देखो सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो 90 से स्मॉल है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, एक्यूट एंगल। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल्स 90 से कम होते हैं उसे एक्यूट बोलते हैं, जो एंगल्स 90 होते हैं लेस देन 90 उसे हम बोलते हैं एक्यूट, जो राइट 90 होते हैं उसे बोलते हैं राइट, और जो 90 से ज्यादा होते हैं मोर देन 90 उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल्स। तो थ्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो ट्राइंगल बेस ऑन एंगल्स, तो इसे बोलेंगे एक्यूट एंगल्स ट्राइंगल्स। लास्ट क्वेश्चन आपका आया बच्चों, यहां पे देखिए डूएस डायरेक्टेड, जो आपको 1, 2 और 2 मार्क्स का दिया हुआ है, लिखा राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 20। स्टूडेंट्स देखिए प्लस की साइन जो होती है उसका मीनिंग होता है प्लस में जब हो तब हम लोग जितना आगे चलोगे तो उसको बोलते हैं आगे, और माइनस में आप जितने पीछे चलोगे उसी को बोलेंगे ज्यादा। तो यहां पे देखिए 20 से 4 ग्रेटर नंबर बताना है, तो देखिए -19 -18 -17 एंड -16, तो ये 4 नंबर हमने यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। लिखा यूज नंबर लाइन को यूज करना है आपको, ठीक है, और एड करना है फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे दिया है -8 एंड 10, तो देखिए -8 प्लस 10, तो यहां तो आपको डायरेक्टली पता चलता है, अगर नंबर लाइन नहीं दी हो तो डायरेक्ट हम 2 लिख के छोड़ सकते हैं, बट यहां पे आपको नंबर्स लाइन दी गई है। तो देखिए क्या करोगे, पहले आप बीच में 0 लिखोगे, यहाँ पे राइट प्लेस तो प्लस, और यहाँ पे लेफ्ट मीन्स माइनस, तो -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे देखिए कहां से स्टार्ट करना, 8 से, और कहां तक ले जाना है 2 तक के से। 8 में कितना एड किया है 10, तो हम भी एड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 10। तो 10 पे आके एड करेंगे तो 10 का आंसर क्या मिल गया हमको, 2। तो यहाँ पे आप देखो उसका आंसर भी 2 आया, और ऊपर हम लिखेंगे 10 जो हमने ऐड किया है, ओके ना, कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन आया बच्चों 8 विथाउट यूजिंग नंबर लाइन यूज नहीं करनी है, हमें डायरेक्टली आंसर बताना है। तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे -18 -20, ओके। तो माइनस माइनस आपको पता है फर्स्ट रूल्स प्लस होता है, तो पहले प्लस कर लीजिए, 18 और 20 होता है 38। अब यहाँ पे देखिए कौन सी साइन बड़ी है, तो माइनस की, यहाँ पे साइन आपके आ गया माइनस। सो स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ओके। और चैनल पे नए आए तो चैनल को शेयर भी कर दो, थैंक यू। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine.